अब पाकिस्तान या कोई भी आतंकवादी दल ये नहीं समझ ले कि शेर के पाँव में कांटा चुभ जाए ना तो अब ये नहीं समझे कि कुत्ते राज करेंगे आप। शेर की दहशत होती है, कुत्ते सिर्फ गली गली घूम के जो है थोप फैला सकते हैं, बाकी दहशत तो सिर्फ शेर की होती है। और हमारा भारत देश शेर है, बब्बर शेर है, भारत माता की जय। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के दौरान हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन बीती रात एक ऐसी खबर मिली है जिसने हिंदुस्तान के आम लोगों के जहन में खुशी का माहौल ला दिया है। खबर है कि इंडियन एयरफोर्स ने लगभग 200 से 300 आतंकियों को मार गिराया है। इस वक्त पूरे देश में खुशी का माहौल है। हमारे साथ हैं विधायक मदन दिलावर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे सेना के जवानों पर 14 फरवरी को आतंकवादियों ने हमला करके हमारे बहुत सारे सैनिकों को शहीद कर दिया था। आज प्रातः 3:30 बजे भारत की सेना ने लगभग 12 विमानों से विमान वर्षा करके सैकड़ों आतंकवादियों को धराशायी करके मौत के घाट उतार करके उसका बदला ले लिया है। और इसलिए मैं देश की सेनाओं को, थल जल वायु तीनों सेनाओं को बधाई देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री, बहादुर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, और बधाई देना चाहता हूँ इस देश की जनता को, सारे देशवासियों को, कि अब ये जो सेनाओं ने काम प्रारंभ किया है अब ये रुकेगा नहीं। जब तक पीओके वापस नहीं ले लिया जाएगा तब तक रुकने वाला नहीं है, ये जारी रहेगा और ऐसी सब देशवासियों की अपेक्षा भी है। भारत माता की जय। इस बार कोई सबूत नहीं मांग रहा, जो पिछली बार सबूत मांग रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक, इस बार उन्होंने भी बधाइयां दी हैं। डर से बधाई दी है, समाप्त तो होने वाले हैं नहीं तो। अच्छा, उनका भी स्वागत करता हूँ, आखिर में उन्होंने बधाई तो दी। जैसे अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार सबूत मांगा था, इस बार सबसे पहले उनका ट्वीट आया कि बहुत बहुत मुबारकबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अब की बार कम से कम सबूत तो नहीं मांगे। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछने वाला था, अगर हम बदला नहीं लेते तो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट बैंक पे असर पड़ता है, ऐसा लगता है आपको? ये सोच ही नहीं सकते बदला नहीं लेते, ये तो कभी सोच ही नहीं सकते थे, इसलिए दूसरी बात करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो अब खुश हैं आप? इस बहुत खुश हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, फटाके चला रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो मदन दिलावर के जो कार्यकर्ता है अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, मदन दिलावर अपने घर के बाहर प्रदर्शन कर खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये भारतीय सेना के लिए, भारतीय लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। आदमी ने बहुत अच्छा किया, पर मोदी जी को एक ऑर्डर और देना चाहिए, जो कश्मीरी हमारी भारतीय सेना पर पत्थर बरसाते उनको बारूद से नस्ते नाबूद कर देना चाहिए, उनको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। हमारी भारतीय सेना की वीर गाथा जो हमेशा से चलती आ रही है, उस वीर गाथा को गाते हुए, इतिहास को दोहराते हुए हमारी सेना ने वो काम कर दिखाया जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के अंदर घुस करके, और जिस जगह पर पाकिस्तान ने अभी 4 दिन पहले सर्वे किया था कि यहाँ कुछ ना कुछ हो सकता है, सतर्क था पाकिस्तान, फिर भी उसकी छाती पर जाकर के और 300 करीब लगभग आतंकवादियों को मार गिराया, 1000 किलो विस्फोटक गिराया और नेस्त नाबूद कर दिया पाकिस्तान की धरती को 80 किलोमीटर तक। ठीक है, आप क्या कहेंगे? बोलो। पाकिस्तान पे और कौन बोलना चाहेगा या हमारी इंडियन आर्मी पे? पाकिस्तान पर तो पूरा हिंदुस्तान बोलने को तैयार है, सब बोल रहा है। बहुत जो भी सेना ने आज किया है, बहुत बहादुरी का काम किया है, जो कार्यता पूर्वक पाकिस्तान ने काम किया था उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये बहुत ही बहादुरी का काम हमारी सेना ने किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? पुनीत राठौर। क्या कहेंगे पुनीत जी? जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आतंकवादियों को ये बहुत खराब काम कर दिया है, बहुत महंगा पड़ेगा। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी भारतीय सेना ने वो साबित करके दिखाया है। तो इसी पे हम पूरे भारतीय सेना पे, सब बीजेपी कार्यकर्ता, पूरा देशवासी गर्व करते हैं।
यही कहना है। ठीक है, आपका क्या कहना है? और क्या नाम है? एक मिनट, आपका क्या नाम है? अक्षय। अक्षय कुमार। अक्षय सुमन जी, आज इंडियन आर्मी ने भारत के विरोधी से तो बदला ले लिया है, ये शुरुआत है बदले की, लेकिन जो भारत के अंदर गद्दार बैठे हैं उनके भी आज चोट पड़ी है, उनके भी दिल में गहरी चोट पड़ी है। मैं इसीलिए पूरे देश की जनता को, नरेंद्र मोदी को और भारतीय सेना को बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद। विधायक जी अनाउंस कर रहे हैं 500 किलो के लड्डू आ रहे हैं। हाँ, आप क्या कहना लगाओ? हाँ बताइए, आप बहुत उत्साहित है पाकिस्तान के इस हमले को लेकर। मैं ही नहीं, आज पूरा हिंदुस्तान उत्साहित है इस हमले को लेकर। नरेंद्र मोदी जी ने जो सेना को खुली छूट दी उसका दृश्य हम देख भी रहे हैं, और मैं और पूरे देशवासी आज यहाँ पे जैसे फटाके फोड़ रहे हैं तो पूरे देश में फटाके फोड़ रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और बहुत ज़्यादा दुख उन लोगों को रहा होगा जो देश के अंदर पाकिस्तानी सेना हमारी सेना को कहीं भी चोट पहुंचाती थी या कुछ भी होता था तो गद्दार यहाँ पे फटाके चलाया करते थे। आज उन गद्दारों के लिए ये सबसे बड़ी चोट है कि आज हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के उनको चोट पहुंचाई है।
जा मिठाई का लेना भाई, रुक जा। अरे इसको दूर रख के चलाओ, गड़बड़ जाएगा। इसको दूर रख के ले लो और हाथ से हो जाए। लीजिए मिठाई, लीजिए मिठाई, पंजीकरण। अरे जिसने मिठाई ले ली लीजिए, लो पासवर्ड बताओ।